ऑल स्टूडेंट्स, लास्ट फर्स्ट आपकी हिंदी लाइन की बुक है व्याकरण शील हिंदी व्याकरण एवं रचना। आपका पहला चैप्टर है हमारी भाषा अवर लैंग्वेज। ये मैं आपको रीड करा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नेहा ने कोयल की आवाज़ सुनी। नेहा ने अपनी माँ को बुलाया, माँ देखो कोयल। नेहा अपनी पुस्तक माँ को दिखा रही है, देखो मेरी पुस्तक में कोयल की कहानी है। नेहा ने कहा, माँ यह कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, अच्छा पढ़कर सुनाती हूँ, बहुत अच्छी कहानी है। नेहा ने कोयल की आवाज़ सुनकर माँ को बुलाया, कोयल की कहानी पुस्तक में लिखी थी। माँ ने पढ़कर नेहा को कोयल की कहानी सुनाई। हम सुनकर बोलकर पढ़कर और लिखकर अपनी मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। इसमें यह है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो साधन होता है जिसे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे बोलकर या लिखकर या पढ़कर। जैसे हम कुछ बात बोल रहे हैं तो हम आपस में बातें करते हैं, तो वो हमारे क्या विचार होते हैं जिसे हम बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बात को समझते हैं और समझाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक रूप किसे कहते हैं। मौखिक जैसे हम आपको रीड करा रहे हैं बुक, तो ये मौखिक रूप हो गया। और इसे आप लोग सुन रहे हो तो आपका ये मौखिक पढ़ाना और सुनना ये क्या हो गया, मौखिक रूप हो गया। इसका उदाहरण देखिए, हम अपनी बात अलग अलग तरह से कह सकते हैं। आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई, बोलना। मेरी बहन की शादी थी, वो सुनना। तो ऊपर दिए गए चित्रों में रोहित बोलकर अपनी बात को समझा रहा है और प्रिया सुनकर उस बात को समझ रही है। तो ये हमारी भाषा का क्या है, मौखिक रूप है। नीचे लिखे दिए गए चित्रों को देखिए। लिखना और पढ़ना। लिखना और पढ़ना क्या होता है, जो हम लिखते हैं और उसे पढ़ते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मोहित अपने दादा जी को पत्र लिख रहा है और दादाजी पत्र पढ़कर समझ रहे हैं, ये भाषा का क्या है, लिखित रूप है। इसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। इसकी एक्सरसाइज में आपको लिख के भेज रहे हैं।